स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। बड़ी खबर इस वक्त रावत एवेन्यू कोर्ट से आ रही है, जहां अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पेश किया है। रिमांड खत्म होने के बाद सुनवाई पूरी हुई है, आदेश सुरक्षित रखा गया, फैसला कुछ ही देर में होगा। कुछ देर में कोर्ट फैसला देगा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की कस्टडी आज खत्म हो रही थी, 7 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने पेश किया है रावत एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को, और ईडी की तरफ से 7 दिन की रिमांड फिर से मांगी गई है। मुझे गिरफ्तार किया है, ना मेरे ऊपर कोई मुकदमा चला, ना आरोप बताए गए। अरविंद केजरीवाल का कहना, मुझे किसी भी अदालत ने दोषी नहीं पाया है। अरविंद केजरीवाल, ईडी और सीबीआई ने हजारों पन्नों की रिपोर्ट लगाई है, ये केस 2 साल से चल रहा है। अरविंद केजरीवाल, आखिर मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है? मुझे किसी कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया है। ईडी अब तक 31,000 दस्तावेज जमा कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल का कहना, मेरा सिर्फ 4 बयान का जिक्र आया है, क्या सिर्फ यह बयान मुझको गिरफ्तार करने के लिए काफी है? जेल होने के बाद दिए हैं, तो क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? क्या इस बात पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? तो आज यही बात है। एज ए काउंसिल सर, आप संतुष्ट हैं? केजरीवाल ने खुद अपनी सारी बातें कह दी, या कुछ कहना था जो रह गया, मौका नहीं मिल पाया? आप अब ऐसा है कि जज साहब ने ज्यादा टाइम नहीं दिया, पर मैं समझता हूँ कि आज के दिन इतना ही कहना काफी था। ठीक है, उनके पास किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग बाद में हो रही है? नहीं, मैंने तो सुना नहीं है सर। ईडी का कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल ने सबमिशन किए हैं रेलेवेंट ही नहीं है। अब ये तो आप लोग भी इतने दिन से मेरे से ज्यादा फॉलो कर रहे हो उस केस को, ये आप लोग तय करो कि रेलेवेंट है कि नहीं है। अगर एक अक्यूज इस केस का, और वो एक आपको याद होगा 6 दिन पहले जब आर्गुमेंट किया लर्नेड एएसजी ने, उन्होंने कहा कि अगर कंपनी कोई पार्टी भी, अगर पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व होती है, तो वो भी कंपनी मानी जाएगी और वो भी अक्यूज बन सकती है। तो अगर आम आदमी पार्टी अक्यूज बन सकता है, तो बीजेपी भी अक्यूज बन सकती है। अगर बीजेपी को उसी अक्यूज ने, जिसकी बेल हुई, उसने 50 करोड़ दे रखे हैं, तो वो किस चीज में आएंगे, ये तो आप लोगों को तय करना है। मैं तो जब कोर्ट में केस आएगा जब देखेंगे, पर आपको खुद मालूम होना चाहिए कि वो पैसे किस बात के दिए थे उसने। अच्छा, 6 दिनों की रिमांड पे थे, क्या ईडी ने कुछ पेश किया कि 6 दिनों में से क्या क्या पूछ लीजिए, क्या क्या निकल के सामने आया? नहीं, ईडी ने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि 6 दिन में क्या हुआ। ये उन्होंने कहा कि आगे हमने क्या करना है, उस बारे में उन्होंने रिमांड मांगा। एक बात और कही केजरीवाल जी ने कि गवाहों से जबरदस्ती डरा धमका कर ईडी ने दबाव बनाकर बयान लिया, लेकिन ईडी कह रही है कि ये तो ट्रायल का विषय है, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? सारे विषय ट्रायल के हैं, पर इस समय तो रिमांड का विषय था, तो हमने कंसीड ही कर दिया, तो बाकी तो रेलेवेंट रह नहीं गया बात। तो अरविंद केजरीवाल को ईडी ने रावत एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है, इसमें सुनवाई हुई है, अभी फैसला नहीं आया है। देवेश कुमार हमारे सहयोगी मसा जोड़ रहे हैं। देवेश, 7 दिन की रिमांड की मांग एक बार फिर से ईडी ने की है, इस तरह की खबर निकलकर बाहर आ रही है, क्या कुछ अपडेट? देवेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, और उसके बाद रावत एवेन्यू कोर्ट में पहली बार जब पेश किया था, तो 10 दिन की रिमांड मांगी थी, 7 दिन की रिमांड दी गई थी अरविंद केजरीवाल की ईडी को, और आज वो रिमांड का दिन था खत्म होने का। आज खत्म होने के बाद एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को रावत एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है, सुनवाई पूरी हुई है, उसके बाद अब फैसला आने का इंतजार है। क्या एक बार फिर से 7 दिन की रिमांड जिसको ईडी मांग रही है वो मिलेगी, या फिर कुछ और? देवेश कुमार हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेश, क्या कुछ अपडेट है? 7 दिन की रिमांड की मांग एक बार फिर से ईडी ने की है कोर्ट में। बिल्कुल, 7 दिन की रिमांड की मांग कोर्ट के अंदर ईडी की तरफ से की गई थी, और ये भी जिक्र किया गया था कि सीएम अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, तमाम बातों का जिक्र किया गया था। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी कोर्ट के अंदर जो अपनी कल सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी कि बड़ा खुलासा किया जाएगा, और सुबह भी हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि शरद चंद्र रेड्डी का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये जिक्र कर रही है कि लगातार शरद चंद्र जो रेड्डी है, जो शराब नीति मामले में आरोपी है, उसने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा दिया है 50 करोड़, और उसी का जिक्र दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कोर्ट के अंदर किया और कहा कि जो आरोपी है शरद चंद्र रेड्डी, उन्होंने 50 करोड़ भाजपा को दिए हैं, तो ये भी जांच का विषय है। साथ ही साथ फैसला फिलहाल जो है कोर्ट ने जो सुरक्षित रख लिया है, और थोड़ी देर में जो है इस पूरे मामले को लेकर जो जज हैं वो इस मामले को लेकर अपना फैसला सुनाएंगे, क्या उनको रिमांड
दी जाएगी या फिर उनको राहत मिल सकती है, देखने वाली बात होगी। हालांकि सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा जब वो कोर्ट के अंदर बोल रहे थे कि वो तैयार है, पूछताछ के लिए पूरा सहयोग कर रहे हैं, अगर रिमांड देना चाहते हो तो दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार इसके लिए करना पड़ेगा। जज जब दोबारा बैठेंगी तो वो पूरे मामले को लेकर अपना फैसला सुनाएंगी। जी अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर भी यहाँ पर दिवेश क्या सवाल उठाए हैं, उन्होंने कहा कि उन पर कोई ऐसा मामला नहीं है, उनकी गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी किस आधार पर हुई है उन्हें पता नहीं है। देखिए बिल्कुल गिरफ्तारी को उन्होंने यही जिक्र किया है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, ये पॉलिसी में जो शराब नीति घोटाले की बात की जा रही है इस पॉलिसी में कोई घोटाला ही नहीं है, लगातार इस बात का जिक्र किया गया क्योंकि सीएम ने कहा था कि बड़ा खुलासा करेंगे, कुछ तथ्य रखेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो आप बोल रहे हैं वो लिखित में कोर्ट को दे और उन्होंने ये माना कि मैं ये लिखित में भी आपके सामने पेश करूंगा। हालांकि ईडी की तरफ से कहा गया कि वो मोबाइल का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, जानबूझकर सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में इसको भी आधार बनाया गया कि और कुछ ऐसे सवाल हैं जो सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछने हैं। साथ ही साथ जब सीएम अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे तो उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया कि 2022 से इसकी जांच हो रही है, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, किसी कोर्ट ने अभी तक हालांकि दोषी नहीं ठहराया गया, एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया है, 31,000 पे अभी तक जो ईडी है दस्तावेज जमा कर चुकी है। चार बार उन्होंने जिक्र किया कि चार बार सिर्फ मेरा नाम जो है वो बयानों में आया है, उसी के आधार पर इन्होंने गिरफ्तार किया है। नजर बनाए रखिएगा देवेश, आपको फिर अपडेट के लिए आएंगे, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो अरविंद केजरीवाल की ईडी ने एक बार फिर से रिमांड की मांग की है, 7 दिन की रिमांड की मांग की गई है, राहुल जमानी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया।